हेलो, हाँ भाई साहब सुनिए, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है तो हॉल बुक करवाना है, तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 10 लाख रुपए? और अगर मेरी बेटी की शादी आपसे करवा दे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? हाँ ये हुई ना बात, ये बात तो आप बिना गाली के भी बता सकते थे। समझ रहे हो ना? बड़ा कंजूस आदमी था, एक ही गाली थी, बताओ। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ रह गई। बेटी? हाँ पापा। जेमी से हाय पापा। इतना अगर मेरा भी ध्यान दिया होता ना तो मैं भी इतना क्यूट होता। जब देखो तब दूध पीता रहता है, उसको बोलो कभी दूध भी दे दिया करे। कुत्ता है पापा ये। अरे कुत्ता तो मालिक के लिए जान भी दे देता है, ये क्या दूध नहीं दे सकता फिर? पापा आप तो इतने कंजूस हो, जो घर के बाहर गवर्नमेंट के लाइट्स रहते हैं उसका उजाला आता है, इसलिए घर के सारे लाइट्स ऑफ करके रखते हो। बड़े हरामी हो बेटा। इस वक्त कौन आया होगा? अभी देखता हूँ। हाँ जी बोलिए। सर ये आपका ऑर्डर है। पिज्जा किसने मंगवाया? ये फिजूल के खर्चे कौन करता है? जिस घर में बाहर का राशन आता है उस घर में पिज्जा कौन ऑर्डर करेगा पापा? अच्छा, करोड़ और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पापा मुझे लगता है कि वो बाजू वाले अंकल का होगा। अरे किसी का भी हो, हमें क्या लेना देना, ले खा ले। हाँ पापा। अरे एक मिनट रुक जा, पिज्जा के अंदर के मशरूम निकाल ले, कल भाजी बना के खा लेंगे। हाँ क्या हुआ? सर आई एम सो सॉरी, वो गलती से आपको किसी का पिज्जा ऑर्डर हो गया, वो तो हमने खा लिया, अब तो सुबह मिलेगा। क्या? अबे खाया मैंने, निकल तू मत देना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। फिर जिन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया उनको क्या जवाब दूंगा मैं? ओए, उनको कह देना श्राद्ध का महीना चल रहा है, कौवे ने खा लिया होगा। भेड़िया जैसी शक्ल है तेरी और बोल रहा है कि कौवे ने खाया होगा। ठीक है, फिर उसको बोल देना भेड़िया ने खाया होगा। चल निकल भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। We'll be right back.